देखिएगा एक दो मिनट को मनोरंजन, उसके बाद आप किसी सेवा में हाजिर लेकर निकल जाकर जा रहे हैं और अजय शर्मा जा रहे हैं। बाकी हमारे प्रधान जी सभी बातें बताते रहेंगे जैसे जैसे भी कार्यक्रम होगा। तो उससे पहले जय करत उदाधारी अमोल साहिब जी दरबार की जय। दो चार मिनटों का मनोरंजन कहो जे पुराने जमाने के भोले भाले गुरु थे, कितने दिन भोले भाले चेले हुए करते सी, जिन्हें की हजारों वर्षा ही हुई करती सी और किन्नी करामात हो करती सी उन्हें चेले बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ियां चिट्टियां हो गई और गुरु गोरख नाथ की दाढ़ी अभी तक भी काली सी। बोल साचे दरबार की दो चार मिनट का मनोरंजन। बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, डम डम डोले, बम बम बोले, डम डम डोले। जय शंकर की, जय खंड की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बच्चा जी, गुरु जी हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। क्या गुरु जी, हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। गुरु तो हम नेड़े बुझेगी और नहीं तो हम दूर ना। अच्छा एक काम करते हैं। हाँ जी गुरु जी। चलते चलते हम बहुत थक चुके हैं। क्या गुरु जी, चलते चलते हम बहुत थक चुके हैं। तो हम जगह दौड़ा रहा था, क्यों ना यहाँ पे विश्राम कर लिया जाए। हाँ जी गुरु जी, बसाओ ही ले तो दोस्तों कर लिया जाए विश्राम। हाँ जी गुरु जी। तो हमें बैठने के लिए जल्दी से बछाड़ लगाओ। बछाड़ का तोड़ा उन पाए ना, तो हम बिछाएंगे तोड़ा बछाड़ पाया नहीं यहाँ आज पाएंगे गुरु का बछाड़। देख गुरु जी आसन ग्रहण करा। अरे मुझे। हाँ जी गुरु जी, इसके ऊपर कैसे आसन ग्रहण करें? ये तो बेई में तो आते हैं। अरे जरा सीधा करके लगाओ। सीधा करना चाहेंगे साड़ा के ज्यादा। देख गुरु जी अमटिले भैया। अरे मुझे लगता है कभी आसन नहीं लगाया। गुरु तो हमने कभी बैठे हैं दिखा था। अरे इसके ऊपर बैठकर हम नीचे नहीं गिर जाएंगे। चनिया छोटी लता तो ना गुरु तो हाँ दसी दिया कुतुब है ना, गुरु तो हाँ दसी दिया कुतुब होना। अरे मूर्ख इसको पुनिया लगाओ। कुतु लाना इसको पुनिया लगाओ। पहले अगर लाना तो हाँ पुनिया ही जाना था। अरे ऐसे लगाते हैं आसन आंदा था होना। अरे बच्चा तुम आसन लगा कर चलो लकड़नाथ तू ला आसन। पहले चढ़ लिया खरगना जिन्ना चाड़गा उन चढ़निया खरगना चाड़ लिया। ठंडी हवा छटा था फिर क्या करा था चसोई बाद चलिया चट बट कर। अरे मुझे लगता है इस बच्चे के दिमाग में गोबर भरा हुआ लिखने गुरु मुझे क्या पता लगा क्या परोया आया पता नहीं। नहीं गुरु गोबर नहीं भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है? गोबर पारी ना मींगना भरी हुई है बड़ी बड़ी छड़कारियां। एक काम करो। हाँ जी गुरु उठा लो इसको। ठीक है गुरु जी। अरे मुझे आसन को उठाओ। पहला गलाना इतना लाज भाई तो हमें दसा करा गुरु मुझे तो हाँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी गुरु जी। कल मैंने जो आपको आश्रम में शिक्षा दी थी। हाँ जी गुरु जी। वो याद की है तुमने? शायद बोले ले याद की थी। ये बच्चा भी पढ़कर आया है उन्होंने अपनी किताबा पढ़ा कितने चोले बोला। अरे मुझे पूछने में क्या चलो तो हाँ गलाना पूछ रहे थे कितने पाठ याद कितने लगे ना करतूती का पता होना। अरे बच्चा तुम कब आए? मैं कल आया। अरे कल आया है? कल आया रात को नैन भूख रही। किस लिए आए हो? मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। अरे पढ़ने के लिए आया है? आज गुरु साहब तो आड़े हाल वो भी इतने बड़े गुरु के पास। कोई छोटा मोटा नहीं मिला कोई नहीं। अच्छा ये बताओ आपको क्या चाहिए बच्चा? लाड़ी। और फिर वो लाड़ी। अरे अभी तक लाड़ी का बच्चा है और बच्चे को लाड़ी चाहिए। पूरी लाड़ी तो आते ही मंगा जाता तो कोई अंदर कोस्ट और पाए हो। अच्छा तुम भी पढ़ कर आए हो? ये पूछा रहे तुम्हें पूछ रहा हूँ। मेरी बारी आई। हाँ बड़ी स्थापी आई पढ़कर आए गुरु थोड़ा बहुत ये पढ़े मैंने। अच्छा तो फिर ये बताओ कि दो क्या होते हैं? क्या है गुरु दो क्या होते हैं? तो अंजे तक यही नहीं पता मुझे, दो क्या होते? मुझे तो पता है मगर तुम भूल गए कि दो क्या होते हैं। दो क्या है गुरु मैं कहना दुखे तो हाँ। अरे कैसा मूर्ख है इसको ये पता नहीं कि दो क्या होते हैं? मैं गुरु के तेज खड़ा ही जाना। अरे दो पता क्या होते हैं? बहुत असी देख कदे होंदे दो दा हुण दो चांद और सूरज होते हैं। क्या होंदे गुरु दो चांद और सूरज होते हैं? कदे ठीक अपने सोच अब दिए दिखाई गुरु एक तलाई पे सुई ना अब सुबह ही नहीं पे सुई ना जल्दी से बताओ उन्हें बोलदा
वो कौन सी तीन चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती हैं, बार बार नहीं आती, मगर चली जाए तो फिर कभी वापिस नहीं आती? कुत्ते नहीं होनी है वापस। अरे वो हरेक इंसान की जिंदगी में आती है वो तीन चीज। मेरी जिंदगी से नहीं आई है। लै अरे जल्दी से बताओ। बुरी मार के देना नहीं था। ठीक बोला तो नहीं मारूंगा। गलत बोला तो वो नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा। तो आड़ा के पता लगा कुटने ही जोर कितने? ये तू आई है वो तू भी कुछ खाता भी नहीं था ताई मरने से दे ही। मैं भी किन्ना खाना कुछ। बुरी किन्हीं चीजें दसिया? वो कौन सी तीन चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती, मगर चली जाए तो फिर कभी वापिस नहीं आती? अच्छा हाँ, एक था गुरु जी तोंदी। अच्छा वो भी चली जाए तो फिर वो भी कभी वापस नहीं आती? नहीं गुरी वापस आने पर ठंड लगे ऊपर तो करना से का हड़िया रे। और दूसरी चीज? दूसरी गुरु जी कलेसरे वाली बरात। अच्छा वो भी चली जाए तो फिर वो भी कभी वापस नहीं? गुरी ता ज्यादा बराती तुम्हारे पीछे चले गया वो ताटे हां। और तीसरी चीज कौन सी है कि वो भी चली जाए तो फिर वो भी कभी वापस नहीं आती? नहीं हुंदी गुरी वापस रहना दोने जान ले आज। अरे जल्दी से बताओ। क्यों नहीं हुंदी गुरी वापस? जल्दी से बताओ। तीसरी गुरु मेरी लाड़ी प्यो के चलेगी साहब उन वापस नहीं आंदी। अरे क्या बकते हो मूर्ख। क्या है गुरु जी? नहीं पता वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? ए दसिए तो हूं पिछले साल एबे सिलेबस बदल लिया होगा मिंजो क्या बता हूं। अभी बताऊंगा अभी ध्यान में रखना इस बात को। हां जी गुरु जी। वो तीन चीजें पता कौन सी होती हैं? वो तीन चीजें होती हैं हुसन जवानी और माँ बाप। क्या कहा? हाँ हुसन जवानी और माँ बाप। ये इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती, मगर चली जाए तो फिर कभी बाप से नहीं आती। हाँ तो याद रखोगे? याद तो रखा गुरु। पर अच्छे हैं तीन है, चार चीजें भी हो सकती हैं। वो कैसे? मैं भी बाप से नहीं आना गुरु, यही आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे चलते चलते तो बहुत सारी बातें हो गई। हाँ जी गुरु जी। क्यों ना यहाँ पे विश्राम कर लिया जाए? बसोई ले गुरु जी। तो कर लिया जाए विश्राम? बसोई ले गुरु जी। तो पास के जंगल में से लकड़ियां लेकर आओगे? वो भी लेंगे तो क्या काटा लकड़ियां ना। हाँ तो जल्दी से आओ, अच्छी अच्छी लकड़ियां लेकर। जिदे तो हम लगे जिदे ही लेनी है। और इस शिष्य को भी साथ में ले जा। शिष्य से भी ले जंदा मैं। ए तू बेला लस्कार ये मारा था। चल शिष्य आ गुरु के भूखने लकड़ो ले लिए थोड़ा चीसड़ होई है गुरु। आए पास चल गया तेरा तो माड़ी ना करता ला। आ जा लो ता देख दे। आहा देखो पहले कितना सुंदर बालक बैठे। किन्ना नूर है चेहरे का, किन्नी चमक मारा दे। लगता इन्हें भी साढ़े घरे ते कड़ी दिया। चल गुरु के दसिए साढ़े पर आपने नहीं ना कड़ो लोगों पता किया गुरु उतवा गुरु वो या क्या ना जो उतवा गुरु उतवा गुरु जब तो लगा मुझे पोथी। अच्छा ताने पढ़ूंगा दे ना ठोके गुरु ना यो ना चीन तू जान्डू ठोके गुरु को यो बड़े छैल बड़े चमक मारा था। अरे वो भी जंगल में? जंगल में थोड़ा बैठे हो बोली अकेला जाते पांच सात हो तो मुझे क्या पता। चलो मुझे भी उसके पास ले चलो। आइए मेरे पीछे आगे चलोगे? दिखा मैं तो जगह तो कुछ बैठे हैं पीछे चलो सारा क्या ज्यादा पीछे चली पाते ना। चल गुरु के गाह गए मेरे पीछे पीछे चलो। अरे पीछे चलो। अरे ऐसे चलते हैं पीछे और कहीं जाते थोड़े पीछे नहीं चलते हैं क्या पता है ना। अरे बच्चा कौन हो तुम? बाबा बालकनाथ। अरे बाबा भी और बालक भी और साथ में नाथ भी। हाँ जी गुरी कल इन्हें ना रखी लिया साड़ा हुई कैसा भी कर दी लिया अजे तक। अरे यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो? तपस्या। अरे तपस्या कर रहा है ये बच्चा? हाँ जी गुरु पुछा वाला को तपस्या करा रहे। अरे किसकी तपस्या मैं ली?
भोले शंकर। अरे बच्चा है मगर अकल का कच्चा है ये, लगता मन का वो है सच्चा है। अरे कह रहा है भोले शंकर की तपस्या में लीन है ये। हाँ जी गुरुजी। अरे इस जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। अरे ये तो मुझसे भी नहीं डरता। अरे इन्हीं के डर का तो आते ये के तो तोड़े मारते शायद आज तो ये पता कहीं खड़े चटान में बैठ जाएंगे। अरे इस जंगल में रहकर कुछ खाते भी हो तुम? हाँ। अरे क्या खाते हो? क्या खाते? शिष्यो को दूध पिलाएगा? हाँ। अरे जैसे कह रहे की सच में दूध पिला देगा ये? हाँ जी गुरु जी। पियोगे तुम? गुरु दूध दे कर माना। तो जल्दी से पियो। चलो बता लो जी पल्ले पास मुंह है चिट्टिया चीजें नजर लगा पहला मिजे बिना खड़ी जी मोटी बनाई अच जी पियाई दे दूध मिंजो पिया पी चुका दवा थोड़ा बाण खाना मटर पनीर गड़ गड़ कर देख लाना पाता है तू आई गुरु के बहने इस बच्चे को किसी भी तरह मनाओ। मैं क्या मना? जैसे मैं तुम दोनों को लेकर आया था लंदे ना और बथेरे टिकता कौन है। चलो गुरु जी तो समझे लेंदे बसी करने करना है थोड़े मंत्रा भी लगे ना पता सर चमुंडा ने बशी करो बशी करो बशी करो तूड़ो थोड़े मंत्रा सह गल नहीं रही नहीं मान रहा बिलकुल नहीं बहुत घमंडी है ये थोड़े मंत्रा तो घट ही गुरु जी होने और सिखा कुछ होना एक काम कर। हाँ जी गुरु जी इस बच्चे के कान में जबरदस्ती मुद्राएं डाल दो। ठीक है गुरु जी। अगर झांकी अच्छी लगी हो तो कृपया तालियों से हौसला अफजाई जरूर करें। तो मां दरबार में हाजिर लगाने के लिए आ रहे हैं बड़े ही अच्छे सुरीले उभरते हुए कलाकार जिनके कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान है। हमीरपुर की शान निखिल ठाकुर जी।
गुरु साझे दरबार की सच्चे दरबार की सबसे पहले सारियां नूं जागरण की ढेर सारी शुभकामनाएं ते मेरे वालों घरवालियां नूं इस जागरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं लखों लख बधाई सारियां नूं क्योंकि कहते हैं बड़े करम ते नसीब।